हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहां पे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। अ वेरी गुड इवनिंग क्षितिज, कल्पना, राहुल, रवि, कल्पेश, महेश, पारुल, सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग पंकज, असित, रोशनी, विद्युत प्रभा, सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन देंगे एक बार, जिससे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। चलो, तो जैसा मैंने बोला, मैं ज्यादा टाइम वेट नहीं कर पाता हूँ, है ना। मेरी भी एक कंडीशन है कि मुझे ना तो आपका टाइम वेस्ट करना है, ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग बाद में आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, है ना। मैं अपनी क्लास को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये बता दूँ, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि मेनली टारगेट करते हैं एसएससी जे एग्जामिनेशन को, जो कि अभी नेक्स्ट कुछ मंथ में होने वाला, नेक्स्ट मंथ में आपका होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा ही रखा गया है कि जो CBT 1 है आपका एसएससी जे, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना, या फिर कोई भी जेई एग्जाम है उनको ध्यान में रख के ही बनाया गया है ये क्वेश्चन। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके एसएससी में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हर एक क्वेश्चन एसएससी में एग्जामिनेशन में आता। ठीक है, चलो। तो पहला जो क्वेश्चन है आज के सत्र का वो ये है, सभी लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी सॉरी, ड्रिफ्ट करंट है यहाँ पे। ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो जो सेमीकंडक्टर है उसमें हमको एक करंट देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं कौन सी करंट, ड्रिफ्ट करंट, है ना। हम कौन सी करंट बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट करंट। तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ऑन कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑप्शन सी बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप लोगों के अकॉर्डिंगली सभी लोग बताएंगे। सी, रोशनी बोल रही है सी, पंकज बोल रहे हैं डी, और असित बोल रहे हैं ए। आज क्या बात है भाई, सभी लोग के आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, इस ग्रुप में भी देख लेता हूँ। कल्पना बोल रही है सी, रवि बोल रहे हैं सी। ओके, यहाँ पे सी वालों की जनता ज्यादा है और इधर तो सबका अलग अलग है। तो एक बात बता दूं मैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टर में कौन सी करंट होती है, ड्रिफ्ट करंट होती है सेमीकंडक्टर में, वो डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो करती है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा होता ही है, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ वो कैरियर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है ना, जो आपने मास एक्शन लॉ वगैरह पढ़ा है ना, तो उसके ऊपर भी ये आपका कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर भी आपकी ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे क्या होती है, डिपेंड करती है। तो ये चीज आगे से आप याद रखिएगा, हमारे सेमीकंडक्टर में जो ड्रिफ्ट करंट होती है, जिसको हम कौन सी करंट बोलते हैं, आई डी, है ना, इसको हमने नाम दिया आई डी, ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो ये जो करंट है किस किस पे डिपेंड करती है आपके, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कैरियर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, समझ में आई बात, चलो वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे खाली स्पेस है, क्वेश्चन से आया नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्योरिटी इज डोप्ड इनटू एन इंटरेक्शन सेमीकंडक्टर टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपके पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं क्या है, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। दो प्रकार के सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब कुछ हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। तो बस वही बात है कि इंट्रिंसिक में हम कौन सी इंप्यूरिटी ऐड करें,
जिससे वो क्या बन जाए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। डी बोल रहे हैं सभी लोग। देखो, अगर आपको इंट्रिंसिक को पी टाइप बनाना है तो जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो थर्ड ग्रुप होता है ना, जो बोरॉन वाला है ना, उसको आपको ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम देखते तो क्या क्या होता है उसमें, हमारे पास बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें से अगर हम देखें तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, बोरॉन तो नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, गैलियम हमको दिख रहा है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं ना, फॉस्फोरस ऐसे कैसे कर दिया आपने आंसर को यार। ऐसी गलती नहीं करना है ना। आप लोग थोड़ा सा एनालॉग में मुझे लगता है वीक हो, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा हमको टॉपिक वाइज। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक एम्पलीफायर इन वेन ब्रिज ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ। हमारे पास जो कौन सा ऑसिलेटर होता है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर होता है हमारे पास, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। उसमें जो बेसिक एम्पलीफायर सर्किट होता है उसमें क्या क्या होता है। तो पहली बात बता दूं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर है जो कि हमारा साइन वेव प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये हमारा साइन वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमारे पास अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हमारे पास ये क्या होता है, सीई प्लस सीसी, कॉमन एमिटर फॉलोड बाय कॉमन कलेक्टर। तो चेक कर लो ऑप्शन क्या है, सीई स्टेज फॉलोड बाय कॉमन कलेक्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आज मुझे देखने को मिल रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि देखो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बस मैं थेवेनिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, है ना। आप देख लो, कल मैंने कंटेंट डेवलपर को ये क्लियरली बोला है कि हमको जो क्वेश्चन है वो ऐसे रखने की कुछ नए स्टूडेंट्स का आपका प्रैक्टिस हो और आपके एडअप हो, है ना। हम वही सिंपल सिंपल घिसी पिटी चीजें नहीं करना चाह रहे हैं ना। हमको बनता है थेवेनिन, 10-12-15% की प्रैक्टिस भी कर ली हमने, बार बार हमको वही नहीं पढ़ना, हमको कुछ अलग पढ़ना है। जैसे ये एक क्वेश्चन आपके सामने देखने मिल रहा है एडीसी का, है ना। ये टॉपिक से भी एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। ये इस टॉपिक से एसएससी जेईई में क्या पहले क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल हमारे पास एसएससी जेईई में क्वेश्चन बन चुके हैं पीवाई। ये क्वेश्चन नहीं बना, ये तो नया क्वेश्चन है, बट एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से क्वेश्चन बन चुके हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार बता देता हूं आपको प्रॉपर तरीके से, सब लोग समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया, अ 12-बिट एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कितने बिट का, 12 बिट का, इज एम्प्लॉयड टू कन्वर्ट एन एनालॉग वोल्टेज टू वोल्टेज ऑफ 0 to 10 वोल्ट। कितना है, 0 to 10 वोल्ट। द रेजोल्यूशन ऑफ द एडीसी, आपको बता दूं सिंपल सी बात है, रेजोल्यूशन का जो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है वो होता है वी एफ ओ। एफ ओ मतलब क्या, फुल स्केल आउटपुट, मतलब जैसे 0 से 10, तो ये आपको होता है फुल वाला वैल्यू। VFO, आपका वर्जन का फॉर्मूला क्या होगा, VFO डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1। 2 की पावर n यहाँ पे क्या होता है, n होता है कितने बिट का है, तो n आपका है 12, तो सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12-1। मेरे पास है कैलकुलेटर, मैं करूंगा कैलकुलेटर से सॉल्व। आप लोग करिए अपना कैलकुलेशन, मैं तो करूंगा कैलकुलेटर से, क्योंकि क्योंकि सांस भी कभी कम थी। नहीं, 2 की पावर 12-1, 2.44 मिली। ए ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो ए।
आप लोग के आंसर नहीं आ रहे भाई, क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या आप लोगों को? क्या हो गया आज आप लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हो? यही होता है ना, आप लोग की जो प्रैक्टिस है बस यही हो रहा है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बैठे हैं, कुछ नया क्वेश्चन आया तो साइड में हो जाएंगे। तो भाई कुछ नया करेंगे नहीं तो कुछ नया सीखेंगे नहीं। इस क्वेश्चन से इतना तो हमको समझ में आ गया है ना कि अगर हमको ADC का रेजोल्यूशन पूछा गया तो फॉर्मूला हमको पता है VFO डिवाइड बाय 2 की पावर n-1। ADC में मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में 2 की पावर n-1, इसको बहुत ज्यादा याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर कभी तुक्का ही मानना पड़े तो 2 की पावर n-1 को याद रखो, उससे तुक्का लग जाता है। जैसे मैंने VFO डिवाइड बाय 2 की पावर n-1 से डिवाइड कर दिया इसको, है ना, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये फिर से क्वेश्चन है भाई, क्या हो रहा है आज देखते हैं। द नंबर ऑफ कंपैरेटर सर्किट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 3-बिट साइमल्टेनियस ए टू डी कन्वर्टर इज, अगेन ये क्वेश्चन किसका, आपका ADC का है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का है, और हमको बताना है कितने कंपैरेटर हमको लगेंगे, बिट कितना दिया आपके पास क्वेश्चन में। सॉरी, तो हमको जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ बिट दिए हो कितना है, 3। तो भाई नंबर ऑफ कंपैरेटर का जो फॉर्मूला होता है, अरे यार आप फिर बोलो, वही चीज है 2 की पावर n-1, सिंपल सी बात है, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 3 मतलब 8-1=7, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आई बात सभी को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल, रवि, पंकज, आप सभी लोगों ने इसका आंसर ए किया है और बहुत से लोगों ने इसका आंसर बी किया जो कि गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये देखो, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत से लोगों को लगेगा सर ये क्वेश्चन आपका किसका, कंट्रोल सिस्टम का। मैं फिर से बोलता हूँ, ये क्वेश्चन किसका है, कंट्रोल सिस्टम का है। लेकिन क्या SSC JEE में, क्या हमारे पास SSC JEE में कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आज तक नहीं बने हैं? तो मैं आपको पूरी गिनती के साथ बता रहा हूं, अभी तक की हिस्ट्री में SSC JEE में कंट्रोल सिस्टम की लगभग 25 to 30 क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी तक SSC JEE में कंट्रोल सिस्टम के 25 से 30 क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन इंसर्ट करवाया है। ठीक है, कुछ आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और आपसे बोला जा रहा है इसका सेंट्रोइड निकालो। सेंट्रोइड निकालने की जो टेक्निक होती है वो बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जेड डिवाइड बाय P-Z। P-Z मतलब नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे पोल देखो तो डिनोमिनेटर क्या कहलाता है, हमारा पोल कहलाता है, और न्यूमिनेटर हमारा क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोल है वो क्या है, 0-1-2। तो अगर हम इनका सम करें तो कितना मिल जाएगा, देखना आप सभी लोग, जीरो हमारा क्या जाएगा, 0-1-2 माइनस एक भी जीरो देते हैं, यहाँ पे जीरो लिख दिया अपन ने, डिवाइड बाय पी माइनस, कितने पोल हैं, 3 पोल है, 1 2 3, तो 3 पोल हैं, 3 पोल हैं, कितने जीरो से, एक भी नहीं, तो कितना हो जाएगा, -3/3=-1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। समझ में आई बात सभी को, कैसे क्वेश्चन को सोचना है, समझना है, क्या समझना, कैसे करना है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा टास्क है सिलेक्शन, है ना, हमारा टास्क ये नहीं है कि कुछ सिर्फ मशीन पढ़ना है, हमारा टास्क ये नहीं कि कुछ सिर्फ पावर स्टेशन पढ़ना है, हमारा टास्क होना चाहिए कि जो हमारा गैप बन रहा है SSC JEE से हमारे सिलेक्शन के बीच में, उस गैप को फुलफिल करना है। और वो गैप किसका बन रहा है, हमको 25 नंबर और एक्स्ट्रा लाने। आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे है ना, आप सभी का सिलेक्शन रुका है SSC JEE एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपके 25 नंबर कम थे, या होता था कुछ लोगों के और कम नंबर होंगे, मतलब 10 नंबर और चाहिए थे उनको, तो वो 25 नंबर आपको मैं यहाँ पे दिलवा दूंगा इस सेशन से। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी। अगेन मैं बताऊं, ये क्वेश्चन आपका तीन सब्जेक्ट से माना जा सकता है। पहला तो कंट्रोल सिस्टम, दूसरा नेटवर्क एनालिसिस, और तीसरा आपका सिग्नल सिस्टम, या फिर फोर्थ आप मान लो इसको मैथमेटिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो चारों टॉपिक में आता है, मैथ्स में, सिग्नल सिस्टम में, नेटवर्क में, कंट्रोल सिस्टम में। कुछ लोग बोलेंगे सर नेटवर्क में आपने तो नहीं कराया, नेटवर्क में जो आप लोग ट्रांजिएंट पढ़ते हो ना वहां पे लाप्लास अप्रोच लगती है, तो वहां पे आपको चीज कराई जाती है। हालांकि मैं आपने जेई वालों को नहीं कराया हूँ, पढ़ाया नहीं, बट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ मैं सिग्नल सिस्टम में पढ़ाया हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस का होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हमारे पास जो साइन का होता है, साइन ओमेगा नॉट टी अगर होता, उसका लाप्लास क्या होता, क्या बोलते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखना सभी लोग क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से मैं रीड करता हूं। टू रजिस्टर्स, दो रजिस्टर हैं, आर इन पैरेलल, दो रजिस्टर जो कि दोनों पैरेलल में। रजिस्टर ए कैरीज ट्वाइस द करंट ऑफ रजिस्टर बी, जितना बी में करंट हो रहा है उसका डबल रजिस्टर ए में करंट है। विच मींस दैट ऑप्शन ए, द वोल्टेज अक्रॉस बी इज ट्वाइस दैट अक्रॉस ए, ऑप्शन बी द वोल्टेज अक्रॉस ए इज ट्वाइस दैट अक्रॉस बी, ऑप्शन सी ए हैज हाफ द रेजिस्टेंस ऑफ बी, ऑप्शन डी बी हैज हाफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा बताइए सभी लोग। बताइए बिताइए बिताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर बताइए। किसी ने आंसर किया है सी, असित ने किया है सी, बाकी लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई है ना, इस क्वेश्चन को देख के मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर हूं, और वो क्लियर क्या है कि भाई दो रजिस्टर पैरेलल में हैं, उनके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम होगा, दैट मींस ए और बी कभी भी सही नहीं हो सकते, ए और बी ऑप्शन हमेशा के लिए गलत हो गए, है ना। उनका इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन से हमारा इनका नाता टूट गया ए और बी का, क्योंकि हमको पता पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इन दोनों में हमको क्या बोला जा रहा है, वोल्टेज डबल होगा ऐसा नहीं होगा, दोनों वोल्टेज सेम। ऑप्शन सी, ए हैज हाफ द रेजिस्टेंस ऑफ बी, दो रेजिस्टेंस है, कॉमन सेंस की बात समझना भाई। इसमें करंट हमारी ज्यादा है, दो एम्पियर है मान लो एग्जांपल तौर पे, इसमें वन एम्पियर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार ये चीज कि इसमें करंट ज्यादा है दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें करंट कम है दैट मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ए हैज हाफ द रेजिस्टेंस, हाफ द रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात, ए का जो रेजिस्टेंस है वो बी के रेजिस्टेंस का हाफ होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन द सर्किट, ये सर्किट दिया आपके पास, यहां पे इसमें वी नॉट की वैल्यू बतानी है। कैसे करना है, सिंपल सी टेक्निक लगाते हैं हम लोग, इसमें लगाते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, मैं लगाता हूं इसमें क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या बन जाएगा ये ऐसा 1 वोल्ट 1 ओम, वन वोल्ट, और यहां पे भी है ये, यहां पे भी 1 वोल्ट, यहां पे निकालना आपको प्लस माइनस वी नॉट, ठीक है। तो लग जाओ भाई क्या करना है, इसमें केबल लगाना है और क्या करना है, इसमें करंट क्या होगी देखो बता देता हूं मैं। तो अगर यहां पे हम देखें तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही हो कितनी, वी नॉट बाय 1, वी नॉट करंट फ्लो, तो लगा दो केवीएल, माइनस वन प्लस वी, टू वी नॉट, इसमें वी नॉट, इसके वी नॉट, तो टू वी नॉट प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू वी नॉट इक्वल टू
वन, तो वी नॉट इक्वल्स टू 1/2, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वेरी गुड राहुल, कल्पना, बहुत बढ़िया, विद्युत प्रभा, पंकज, कल्पेश, चलिए सभी का आंसर यहाँ पे सही, जितने लोगों ने आंसर किया सभी ने सही किया। एक जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकते, जो सच्चाई है उस बात को आप समझो, है ना। सच्चाई एसएससी जेई एग्जामिनेशन की यही है, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ ही लोग होंगे जो कभी टेक्निकल कभी पढ़े नहीं होंगे, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो चीजें याद करने वाली थी, मैं बीच बीच में रखता भी क्वेश्चन को, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। असेंट जनरेटर फेल्स टू एक्साइट व्हेन द फील्ड रेजिस्टेंस इज, ये आपके डीसी मशीन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है एक बार रीड करता हूं मैं। असंट जनरेटर, हमारे पास तीन प्रकार के जनरेटर बोल सकते, दो प्रकार के बोल सकते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ में भी दो प्रकार के, सीरीज या फिर संट, तो संट वाले में सीरीज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे संट की बात की जा रही है। संट जनरेटर फेल्स टू एक्साइट व्हेन द संट फील्ड रेजिस्टेंस इज, मतलब जो हमारा संट जनरेटर है ना, वो हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पा रहा, वो एक्साइट नहीं कर पा रहा। अगर जो हमारा संट वाइंडिंग का फील्ड रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ, अगर हमारे संट फील्ड का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ, तो वहां पे करंट, हमारी प्रॉपर करंट नहीं जा पाएगी, जिससे हमारे पास फील्ड नहीं बन पाएगा, और जब फील्ड नहीं बन पाएगा तो हमारे पास वोल्टेज बिल्डअप नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिए कि ये आपको ध्यान में रखना है कि संट जनरेटर के लिए, फिर से हमारे पास जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, उसमें संट जनरेटर है, उसमें जो संट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, या संट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है ना, उसका रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर्टी से काम कर पाएगा। अगर उसे ज्यादा हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बोला गया, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डीसी सीरीज डीसी जनरेटर मींस इट इज ओके। तो आपको बताना है कि, मैंने आपको बताया भी है, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स कराया था, कि डीसी जनरेटर में एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट बनता है कि भाई किसका वोल्टेज पॉजिटिव होता है, किसका निगेटिव होता है, किसका सबसे कम पॉजिटिव होता है, किसका सबसे ज्यादा आपका पॉजिटिव होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, किसका वोल्टेज जब जीरो होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, और इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में कराया है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो हमारा फ्लैट कंपाउंड होता है, फ्लैट मतलब आप ये समझ जाओ जो चीजें बराबर, आप ऐसे इसको याद रखते हो, जो फ्लैट है, तो वहां पे जो वोल्टेज क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कितना होगा, जीरो। तो याद रखिएगा, हमारा फ्लैट कंपाउंड के लिए हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन वो क्या होता है, जीरो होता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। चलो, बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही भी किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सही किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इट्स इफिशियंसी एट फुल लोड। आपके पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, उसको आपको बनाना है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अगर आपने बना भी लिया है ना, तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, उसकी जो इफिशियंसी होगी एट फुल लोड, अगर मान लो उसकी थी 90% एग्जाम्पल के लिए, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड पे हमारी इफिशियंसी क्या हो, तो आपको बात समझनी पड़ेगी एक आपको यहाँ पे, कि जो हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उसपे जो पावर ट्रांसफर होती है वो सिर्फ होती है क्या, मैग्नेटिकली, हाँ या ना, वो सिर्फ आपकी मैग्नेटिकली। लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, हमारे पास क्या होता है, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, उसमें कुछ पावर, आधी पावर होती है कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट कंडक्शन होता है हमारे पास, और कुछ होती है मैग्नेटिक के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर के मोड हैं, पावर ट्रांसफर के जो मोड है, वो दो प्रकार के हैं,
हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारी जो इफिशियंसी होगी ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में थोड़ा सा ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन वाला फेज हमको एक एडिशनल देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत बढ़िया। हाँ इसका आंसर बताना। ये देखो ये क्वेश्चन बोल सकते हो, ये आपको सिलेक्शन दिला है, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको सिलेक्शन दिला। मैं देखता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाते। तो ट्राई करो। 1 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डैश 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 डैश। ऑप्शन ए 420 वाटर, 4200 वाट सेकेंड, 4.2 जूल, 420 जूल। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। वन किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी। रोशनी ने बोला बी, पंकज ने बोला डी, और दो आंसर मेरे पास आए हैं। असित का आंसर आया है बी, राहुल का है डी, कल्पना है डी, और किसी के कुछ आंसर आए हो तो बताइए। बी या डी? बी और डी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बी और डी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूजन की बात क्यों आई भाई? अच्छा मुझे ये बताओ 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच? अरे यार देखो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। 1 कैलोरी होता आपका 4.2 जूल, ठीक है? तो अब आपसे बोला गया यहाँ पे क्या 1 किलो कैलोरी मतलब हो जाएगा कि 4.2 × 1000 जूल। तो किलो है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 4200 जूल। और आपको पता है जूल हमारा क्या होता है, वॉट सेकंड होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4200 वॉट सेकंड। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना इसमें लोग वीक हैं, है ना? है बहुत छोटी चीजें, लेकिन होता ये ना कि लोग थोड़ा सा जिस चीज में वीक हैं आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा वो चीज, है ना? ये क्वेश्चन आपका शायद से एसएससी जेई का है क्या? ये प्रश्न है आपका केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पेपर होता है ना, वर्क एक्सपीरियंस का जो क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन है, और ये आपका 2014 का क्वेश्चन है। इतना अच्छे से मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर मैंने दिया था 2014 में, है ना? इसलिए बता पा रहा हूँ, ठीक है? और आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना, कि जब आप कोई पेपर देते हो उस टाइम पे जो आप क्वेश्चन को फेस करते हो वो आपका आगे तक याद होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा है कभी किया है। नेक्स्ट, फॉर्म फैक्टर इनटू पीक फैक्टर इक्वल्स टू। अरे भाई क्वेश्चन क्या है, फॉर्म फैक्टर इनटू पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, और पीक फैक्टर क्या होता है, वी एम अपॉन वी आर एम एस। कैंसिल कर दिया अगर जाए यहाँ पे तो बी आर एम एस से बी आर एम एस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बी एम अपॉन बी एवरेज, क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो ए होगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वो सॉरी आइडियल क्या है यहाँ पे, करंट सोर्स। ये क्वेश्चन मतलब रटे रटाए क्वेश्चन है, लोग तब भी यहाँ पे गलती कर देते हैं, है ना? और मुझे पता है कि SSC में एक स्टूडेंट है जिनका अभी सिलेक्शन हो चुका है ऐसे BRO में, पता नहीं MES में शायद, जहाँ तक मुझे याद, डिपार्टमेंट याद नहीं कौन सा मिला है, MES मिला शायद उनको, है ना? शायद से उन्होंने बताया कि सर मैं इसमें बहुत कंफ्यूज, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने गलत किया था, और गलत कैसे किया था, वो सोचे कि यहाँ पे एमीटर पूछा जा रहा है, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0 के आसपास, है ना? 0 के आसपास, तो उन्होंने टिक कर दिया 0, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आइडियल करेंट सोर्स। तो यहाँ पे एमीटर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे करेंट सोर्स की बात की जा रही है, उसका कितना होता है आपका इन्फेनाइट,
डी, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीजों में बहुत मिस्टेक करते हैं, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन आ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है ना, वो किसके फ्लो की वजह से होती है? और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का फ्लो हो जाता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर बिटवीन द टू कॉइल्स ईच हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 25 मिली हेनरी एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल टू इज 25 मिली हेनरी। तो आपको यहाँ पे कपलिंग बताना था, के की वैल्यू निकालनी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L1 L2। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे के। तो के इक्वल कितना हो जाएगा, एम डिवाइड बाय √L1 L2। एम है आपके पास 25 M, ये आप कितना हो जाएगा, ये भी 25 M, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट 25 25 कितना आएगा, 25 M आएगा। तो आंसर हो जाएगा 1। सी सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ स्क्वेयर वेव, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, ठीक है। तो आपको बता दूं, दो वेव फॉर्म हमारे पास होते हैं, डीसी और स्क्वेयर वेव। इन दोनों वेव फॉर्म का हमारा आरएमएस और एवरेज क्या होता है, सेम होता है। वी आरएमएस और वी एवरेज हमारा क्या होता है, सेम होता है। आप लोग समझ गए होंगे फिर, क्योंकि हमारे पास स्क्वेयर वेव है, इसका आरएमएस भी सेम होगा, एवरेज भी सेम होगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो शायद से इस सत्र का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज के सत्र का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बार देख लेते हैं, अ पीस ऑफ ऑयल सोक्ड पेपर हैज बीन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी। ओके, देखो आपको बताता हूं मैं, अच्छे समझते क्वेश्चन को। पहले हमको पता, सीक क्वेश्चन क्या होता है, ε0 ε r a/d। अगर आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, दैट इज योर डायलेक्ट्रिक। अगर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो एप्सिलॉन आर इंक्रीज होगा, अगर वो इंक्रीज तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस तो आपका बढ़ रहा है, अब उससे आपका पोटेंशियल पे क्या फर्क होगा, तो आप पता फॉर्मूला क्या, क्यू इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें, क्या होता है, क्यू अपॉन सी। अगर मेरे पास चार्ज है, फिर कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हुआ है, तो वोल्टेज हमारा कम हो, हमारा आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डिक्रीज, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डिक्रीज। आई होप सब कुछ समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहा आज के सत्र के बारे में। इसका जो पीडीएफ है तो वो आप लोग को आपके ग्रुप पे भी मिल जाएगा, जो बैच में आप ऐड हो, और साथ में टेलीग्राम वगैरह पे मैं आपका पोस्ट कर देता हूँ, तो आप चाहो तो वहां पे भी पीडीएफ निकाल सकते हो। जो लोग, अगर मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो मुझसे पर्सनली मांगते हैं क्या पीडीएफ, तो मुझसे पर्सनली मत मांगिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से जाके पीडीएफ देख लीजिए, ठीक है ना। पर्सनली मैसेज मत करिए, क्योंकि मैं इतने लोग के मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बस इतना। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।